नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि YouTube पर सबटाइटल के क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहली वीडियो बनाई थी कि व्हाट इज सबटाइटल, सबटाइटल क्या है। सो तो गाइस, उस वीडियो के प्यार के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू। ताकि दोस्तों आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया उस वीडियो को, दोस्तों अच्छे खासे उस वीडियो पर व्यूज़ आ गए। सो गाइस, आज ये सेकेंड पार्ट है कि सबटाइटल का आखिर क्या फ़ायदा है यूट्यूब पर। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हैं ताकि दोस्तों हमें सबटाइटल यूज़ करना चाहिए और दोस्तों वो फ़ायदे हम अपने वीडियोस के अंदर ले सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर बात करते हैं सबटाइटल की। तो गाइस, सबटाइटल सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं, बाकी दोस्तों जो बॉलीवुड हॉलीवुड वगैरह जो भी मूवीज़ आती है उसके अंदर भी काफ़ी यूज़ होते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर बेनिफिट्स की बात करें सबटाइटल की, तो काफ़ी बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो है दोस्तों यूट्यूब पर सबटाइटल के फ़ायदे। यहाँ पर दोस्तों जब आप यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हो, सो गाइस आपकी यहाँ पर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। चाहे दोस्तों आप वहाँ पर इंग्लिश के अंदर बनाओ, चाहे आप वहाँ पर हिंदी के अंदर बनाओ, चाहे आप अपने कोई भी एक लोकल लैंग्वेज को ले लो उसके अंदर बनाओ, लेकिन यहाँ पर आप मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर तो वीडियोस नहीं बना सकते, आप उसके अंदर मल्टीपल तो लैंग्वेज ऐड नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ पर एक सबटाइटल के रूप में अपने वीडियो को मल्टीपल भाषा के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर अगर इंग्लिश के अंदर वीडियोस बना रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपना हिंदी का सबटाइटल डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपने गुजराती, मराठी वगैरह जो भी सबटाइटल होते हैं वो वहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। सो गाइस, इससे फ़ायदा एक ही है, वो है दोस्तों यहाँ पर जो आपके अदर लैंग्वेज के व्यूज़। अगर कोई बंदा रिसर्च कर रहा है अपनी वीडियोस को, जो कि आपने ही उस टॉपिक पर वीडियोस बनाई है, सो गाइस वो बंदा आपकी वीडियो को जरूर देखेगा। लेकिन वो बंदा तभी देखेगा तब आपकी वीडियो उसकी लैंग्वेज में हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपने सबटाइटल दिया है उसकी लैंग्वेज के अंदर भी, सो गाइस अगर वो आपकी लैंग्वेज को नहीं भी जानता है, लेकिन वो आपकी वीडियोस को देखेगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं कि सबटाइटल कौन कौन से वीडियोस के अंदर ज़रूरी होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि कॉमेडी वीडियोस हो गई, या फिर दोस्तों आप कोई भी वेनिस वीडियो के अलावा अगर आप कोई भी ऐसी स्टोरी वगैरह की वीडियोस बना रहे हैं, तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस के अंदर यहाँ पर सबटाइटल चल जाता है। लेकिन आप अगर टेक्निकल वीडियो बना रहे हैं, 4-5 मिनट की कोई वीडियो है, जो कि दोस्तों ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, सिर्फ सीखने की वीडियोज़ होती है, एजुकेशन वीडियोज़ होती है, उसके अंदर थोड़ा सबटाइटल कम चलता है। सो कैसे अगर आप कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं या फिर ऐसी कोई इंटरटेनमेंट कोई भी वीडियोज़ बना रहे हैं, उसके अंदर बेसिकली दोस्तों चल ही जाएगा उसके अंदर, क्योंकि लोग उसे पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके एक्शन को देखते हैं, एक्शन वीडियोस होती है। सो गाइस उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सबटाइटल चल जाता है। तो यही बेनिफिट है बस कि यूट्यूब पर अगर आप सबटाइटल यूज़ करते हो, सो यहाँ पर आपको यूनिक व्यूज़ मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो अदर लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि अगर उस बंदे को अगर गुजराती नहीं भी आती है या फिर मराठी नहीं भी आती है, आपके इंग्लिश में वीडियोज़ है, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, लेकिन आपने अगर सबटाइटल यूज़ किया है हिंदी का, सो गाइस वो नीचे पढ़कर या फिर आपके एक्शन को, वो एक्शन के साथ उस जो सबटाइटल को मिला के वो वहाँ पर एंटरटेनमेंट हो जाता है। सो गाइस यहाँ पर ये सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, सबसे अच्छा फ़ायदा है। अगर आप भी यूज़ करना चाहते हो सबटाइटल, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप डायरेक्टली एडिटिंग के अंदर सबटाइटल को इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप वहाँ पर नहीं करना चाहते, सो गाइस आपको यहाँ पर यूट्यूब पर भी ऑप्शन मिलता है जहाँ पर अपना सबटाइटल अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं सबटाइटल के, जो कि मैंने आपको बताया। सो गाइस अगर आप यूज़ करते हो सबटाइटल अपने जो यूट्यूब वीडियोज़ में, तो आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो अर्निंग है वगैरह है उसके अंदर भी फ़र्क पड़ता है, आपकी व्यूज़ के अंदर भी फ़र्क पड़ता है, आपका वॉचिंग टाइम के अंदर भी फ़र्क पड़ता है। सो गाइस यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आ जाता है अपने यूट्यूब चैनल में। सो आपको ये पता चल गया होगा कि क्या होता है सबटाइटल और कैसे यूज़ करें सबटाइटल को। अगर आपको नहीं पता कि सबटाइटल आखिर क्या होता है, सो गाइस आपको आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगी वीडियो की, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा आखिर सबटाइटल क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, एंड दोस्तों इसके क्या क्या फ़ायदे हैं मैंने आपको यहां पर अभी बता दिया है। सो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ हम अक्सर लाते रहते हैं। सो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।